भविष्य के झगड़े करते हैं, कई का क्रोध फ्यूचर टेंस को लेकर होता है, मेरा क्या होगा। कल कह रहा था ना वो सेठ, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या, धत तेरे की सामान 100 वर्ष का पलकी खबर। क्यों जोड़ रहा, क्यों इतना सब कुछ कर रहा, आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ करके जा रहा हूं, उनका भविष्य बना रहा हूं। अपना बच्चों का भविष्य बनाने में भाई का भविष्य बिगाड़ देते हो आप। विचार करिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए वर्तमान पीढ़ियों को आप तबाह कर देते हो। ध्यान रखना है मान्यवर, भविष्य को लेकर क्रोध करते हैं। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो बंबई जा रहा था पूना से, यहां से तुम्हारी बारामती से बंबई जा रहा था। बेटा स्कूल से आया, जैसे ही स्कूल से बेटा आया उसने बैग रखा, मुल्ला ने तड़ातड़ 10-20 चांटे जमा दिए उसके गाल में। पत्नी बोली, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बच्चा अभी स्कूल से आया है और तुमने इसको 10 चांटे लगा दिए। अरे मुल्ला ने कहा, तू चुप खड़ी रह, तू बीच में मत बोल। अरे तो बोले, तू मार काय को रिया है। बोले मैं बंबई जा रहा हूं इसलिए इसकी पिटाई कर रहा हूं। अरे यार ये कोई बात है कि तुम बंबई जा रहे हो बच्चे की पिटाई कर रहे हो। अरे बोले मार लेने दे आज इसको जी भर के। अरे बोले तू कैसा बाप है भाई, एक बाप बच्चे से दूर जाता है तो गले लगाता है प्यार करता है और तू इसकी पिटाई कर रहा। मुल्ला ने कहा, आज इसे जी भर के पीट लेने दे, मैं बंबई जा रहा हूं, महीने भर लौट के नहीं आऊंगा, आज इसे पिटाई करके जाऊंगा। अरे पत्नी ने कहा कि यार मार क्यों रहा है। बोले तू नहीं समझेगी, मार इसलिए रहा हूं कि अब मैं महीना भर तो घर आऊंगा नहीं, परसों इसका रिजल्ट आने वाला है और मुझे मालूम है फेल होगा और जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो इसे मारेगा। कौन धत तेरे की आदमी, फिजूल की बातों के झगड़े हमारे घरों में हुआ करते हैं। जिठानी लड़ती है, पति समझाता है कि झगड़ा मत कर, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दिया करता है, भविष्य को लेके झगड़े कर रहे हो। एक बात ध्यान रखिए, न भूत को स्मरण करो न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में जियो और वर्धमान बन करके खड़े हो जाइए, आपके जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा। जो वर्तमान में जिएगा वो वर्धमान होगा, जो भूत में जिएगा भूत बन जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में होता नहीं है, ध्यान रखिए मान्यवर। किस बात के झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं हम लोग। दिक्कत इस बात की है जहां चार लोग मिलते हैं, बात की शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, इतने अच्छे से, लेकिन एंड बहुत बुरा हुआ करता है। लास्ट में हमारी सभाओं का, हमारी मीटिंगों का अंत लड़ाई झगड़े से हुआ करता है। इकट्ठे तो होते हैं, आओ बैठो कुछ विचार विमर्श करेंगे, ऐसा विचार विमर्श होता है कि बाद में हाथापाई पर नौबत आ जाया करती है मान्यवर। आज संसद में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है, माइक फिक रहे हैं, कुर्सियां फिक रही हैं, जूते फिक रहे हैं, ये देश का आदर्श हो गया है। क्या प्रेरणा लेगी जनता इन लोगों से मान्यवर। जीवन को महान बनाना है तो सहन करना सीखिए, सहनशीलताएं खत्म हो गई हैं हमारी। दो बात किसी की कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पति कहता है मैं पत्नी की नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, सास कहती मैं बहू की क्यों सुनूं, बहू कहती है मैं बुढ़िया की क्यों सुनूं। अब तुम अपने घरों में तो किसी की सुनना नहीं चाहते हो और मेरे कमरे में आके मुझे सब सुना के चले जाते हो। तो भैया जब सास नहीं सुन रही, बहू नहीं सुन रही, भाई नहीं सुन रहा, देवर नहीं सुन रहा, तो पुलक सागर काहे को सुनेगा तुम्हारी। जो आता है वो मुझे सुना के, हमारे घर में ये हो रहा वो हो रहा, इसका स्वभाव खराब उसका स्वभाव खराब, जब तुम नहीं सुन रहे तो मैं काहे को सुनूं। लेकिन मैं अपने को किस्मत वाला समझता हूं कि जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, जो सास ससुर की नहीं सुनते, जो भाई भाई की नहीं सुनता, देवरानी जिठानी की नहीं सुनता, मेरी किस्मत है कि घंटे भर तुम शांत होकर मुझे सुनते हो, इससे ज्यादा मेरी किस्मत दूसरी। कितने शांत होकर सुन रहे, मैं कुछ भी बोल रहा हूं
तुम तो बड़े शांति से सुन रहे। एक बात बताऊं बारामती वालों, इतने शांति से यदि घर की बातें सुन लो, घर वालों की सुन लो, तो तुम्हारे घर में झगड़ा होने का कोई चांस पैदा है। लेकिन हम घर में तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सास शेर तो बहू, कौन बोला सवा शेर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। नहीं, थोड़ा सा सहन करो, सुनो, सुनने की कला डालिए, सुनाइए मत, ज्यादा मत सुनाओ किसी को, ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, मौन रहो, ज्यादा मत बोलिए। ज्यादा बोलने के लिए पुलक सागर बैठा है ना तुम्हारी बारामती में, जितना भी ज्यादा बोलना मुझसे बुलवा लो, लेकिन तुम लोग ज्यादा, मेरी लोग सुन लेंगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवा विचार करिए, क्रोध आता है। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, घर में मम्मी पापा यदि लड़ते हैं, तो मैं बच्चों को एक सूत्र दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं आए हैं उन्हें मेरी ये सीडी सुना देना, प्रवचन सुना देना, यूट्यूब में दिखा देना, आपका क्रोध 2 मिनट में भाग जाएगा। जब मम्मी पापा बहुत क्रोध कर रहे हो ना, तो आजकल एक वो आया है, एक पेन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, वीडियो बन जाती है, आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाती है। जब मम्मी पापा लड़े बेटा, तो पेन में रिकॉर्डिंग कर लिया करो, फिर देखना ये क्रोध में क्या क्या बकते हैं। और जब ये शांत हो जाए, और शांत होने के बाद भी नहीं, जब घर में कोई मेहमान आए, तो उन्हें नमोकार मंत्र की धुन मत सुनाना, नमोकार मंत्र की झनकार नहीं, मम्मी पापा की टनकार सुनाना। उस समय पता लगेगा कि हम क्रोध में क्या क्या बोल गए। क्रोध में ध्यान रखना, क्रोध में आदमी बेहोश हो जाता है, उसे होश नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना है। एक बार एक आदमी तो क्रोध में इतना बोला, गुस्से में इतना बोला, अपने बच्चे को बोला, अब एक गधे की औलाद। बच्चे ने कहा, सही कह रहे हो बापू, ध्यान रखिए, बीच आदमी होश थोड़ी रहता, मैं गुस्से में बोल क्या रहा हूं, अबे गधे की औलाद। अब विचार करिए, उसने कहा गुस्से में, एक पति ने पत्नी से कहा कि क्यों नहीं, जब तेरी शादी हुई थी तू पागल थी क्या, जो मेरे से शादी, पागल थी क्या जो शादी के समय तूने नहीं देखा मुझे, अब तुझे गुस्सा आ रहा है, पागल थी क्या। पत्नी ने कहा, पागल नहीं होती तो तुझसे शादी काहे को करती, ये पागल ही तो था। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, यार तू तो इतना भोला है कि तुझे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति ने कहा, ज्यादा मत बोल, बोले तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति ने कहा, बिल्कुल सच कह रही है, सबसे पहले बेवकूफ तो तेरे बाप ने मुझे बनाया जो तेरे से शादी कर दी। ध्यान, आदमी क्रोध में क्या क्या भूल जाता, उसे होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता, सब रिकॉर्डिंग कर लो। और जब मेहमान आए, यदि सासू बहू लड़ रही हो ना, तो देवरानी रिकॉर्डिंग कर ले, और जब कोई मेहमान आए तो चालू कर देना, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे लड़ने वाले। और अब जब भी लड़ेंगे तो याद रखेंगे, कोई शैतान मेरी मोबाइल में फोटो तो नहीं बना रहा है, कोई आवाज तो टेप नहीं कर रहा, ध्यान रखना। क्रोध ज्यों ज्यों बढ़ता है, भाषा असभ्य होते चली जाती है, भाषा अपनी सभ्यता खो दिया करती है। क्रोध में जितने निकृष्ट वचन हो उतने एकत्रित कर लिए जाते हैं, लेकिन जब प्रेम होता है तो भाषा भी संभलती है और व्यवहार भी संभल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्रोध से बचने का प्रयास करिए। सामने वाला यदि क्रोध करे तो हम क्या करें मालूम है? जब हम लोग बचपन में थे तो साइकिल चलाना सीखते थे, हमारे घर कोई भी आ जाए, वो घर में बात कर रहा, अपन उसकी साइकिल लेके भाग जाते थे। कभी कभी कोई साइकिल नहीं देता था ना, तो एक शैतानी कर देते थे, उस साइकिल की हवा निकाल दिया करते थे, साइकिल में सुई कांटा चुभो के पंचर कर दिया करते थे, फिर वो आदमी घर नहीं जा पाता था। मैं भी आपसे कह रहा हूं, ऐसी शैतानियां तुम लोग मत करना जो हम लोगों ने बचपन में की हैं, लेकिन आपसे कह रहा हूं, इस दिमाग में भी बहुत क्रोध की हवा भरी हुई है, और जब क्रोध की हवा भर जाए और जब क्रोध प्रकट होने लगे, उसे पंचर कर देना, थोड़ा सा क्रोध की हवा निकल जाएगी, क्रोध शांत हो जाएगा। पंचर कर दीजिए दिमाग को,
पंचर कैसे करेंगे? ऐसे मत करना कि तुम यहां पे कांटा चुभो रहे हो दिमाग में, पंचर नहीं है तो दुर्घटना घट जाएगी। पंचर करने का मतलब इतना ही है कि यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो अपने क्रोध की हवा निकाल दो, अपने क्रोध के टायर ट्यूब को पंचर कर दो। कैसे पंचर कर दो? कि भैया जो तू गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, इसका जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा। ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। मैं कहता हूं यदि 5 मिनट बाद जवाब देने का संकल्प ले लिया तो समझना हमारा क्रोध पंचर हो गया, हमारा गुस्सा पंचर हो गया। 5 मिनट बाद आप उस क्रोध का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। ध्यान, आपको लगेगा यार किन बातों पे लड़ रहे थे, किन बातों पर बहस हो रहा था, ये लड़ने जैसे कोई तो बात ही नहीं। क्रोध को पंचर कर दीजिए। एक आदमी को मैं जानता हूं, वो एक चिट्ठी लिख रहा था, ऐसी चिट्ठी 4 पेज भर दिए उसने, इतनी गालियां, इतने गंदे शब्द। मैं वहां पहुंच गया, मैंने कहा क्यों भाई क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरा दोस्त है ना, अब दुश्मन बन गया है, बहुत मेरे अपमान किया उसने। मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, हजारों गालियां उसने चिट्ठी में लिख दी, तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो, तू धोखेबाज है। लालू चिल्ला रहा ना नीतीश को कि तू धोखेबाज है, तूने धोखा दिया, गठबंधन तोड़ा, 1000 गालियां। ध्यान, चिल्लाते रहो, अभी तो सारी दुनिया में मोदी ही मोदी चल रहा है, ध्यान रखिए। 1000 गालियां लिखी उसने। बोले मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूं, उसके पास पहुंचेगी ये चिट्ठी। मैंने कहा एक काम कर मेरे भाई। बोले क्या? मैंने कहा एक काम कर, ये चिट्ठी तूने लिख दी। बोले लिख दी। मैंने कहा इसको आज नहीं कल पोस्ट ऑफिस में डालना, लेटर बॉक्स में डालना। बोले नहीं मैं तो आज ही डालूंगा। मैंने कहा नहीं तू कल डालना। तो बोले कि ऐसे क्या हो जाएगा महाराज, मेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तू हो या ना हो ये चिट्ठी तू कल डालना। लेकिन एक बात याद रखना, आज इस चिट्ठी को पैक मत कर, रखा रहने दे, कल पैक करना, टिकट लगाना और अपने दुश्मन के एड्रेस पर डाल देना। बोले ठीक है, आप कह रहे तो ये नियम मैं पाल लेता हूं। उसने हजारों गालियां लिख करके एक लिफाफे में रख दी। दूसरे दिन जब डालने को गया तो उसने कहा कि यार एक बार पढ़ तो लूं, कोई गाली इसमें कम तो नहीं रह गई है। जैसे ही उसने पढ़ा, उसने देखा यार मैं कितना स्टैंडर्ड का आदमी और इतनी घटिया गालियां लिखा करता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, क्रोध शांत हुआ, चिट्ठी को फाड़ फूड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। बोले जवाब देने से कोई मतलब? ध्यान रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन है। जब यह पागलपन पैदा होता है तो एक बात याद रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन की निशानी है। जब आदमी क्रोध में होता है तो पागलों जैसी हरकतें प्रारंभ कर दिया करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा पागलपन है जो जब पागलपन ये दूर होता है ना तो पश्चाताप दे करके जाता है हमारी जिंदगी को, सिवा पश्चाताप के हमारे हाथ कुछ लगता नहीं। क्रोध के तात्कालिक पागलपन को शांत करिए, वरना जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्रोध तो छोटी सी का टेम्परेरी चीज है, परमानेंट चीज नहीं है। लेकिन क्रोध में जो भी हम करते हैं वो हमें जिंदगी भर के लिए पश्चाताप दिया करता है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, क्रोध पे थोड़ा ब्रेक लगाना है तो तात्कालिक उत्तर मत दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, क्रोध अपने आप शांत होकर के चला जाएगा। ये क्रोध पैदा क्यों होता है आप बताइए? हर आदमी को क्रोध आता है, क्रोध क्यों पैदा होता है? जब अपेक्षा बढ़ जाती है तो क्रोध का जन्म हो जाया करता है। उम्मीदें लगाते हैं हम बहुत ज्यादा, ज्यादा उम्मीद लगाओगे, ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे और उस अपेक्षा की उपेक्षा हो गई
तो महाभारत प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप घर से चल के आ रहे हैं, आपका दोस्त रास्ते में मिल गया, आपने उम्मीद लगाई, आपने अपेक्षा लगाई कि राम राम करेगा, जय जिनेंद्र करेगा, देखेगा, मुस्कुराएगा, और यदि उसने नहीं देखा और तुम्हें देख करके मुंह फेर लिया, भीतर क्या प्रयोग होगा, क्रोध पैदा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, हमसे ही बच के चल रहा है, हमसे आंखें फेर रहा है, कल तक हमारा दोस्त था, आज निगाहें फेर के जा रहा है, देख लूंगा मैं तुझे, क्रोध पैदा हो गया। ध्यान, आपसे एक निवेदन है, यदि कोई अम्मा जी बीमार पड़ जाए, दो बहुएं उसकी हो और दो बहुएं घर में हो, और जब बीमार पड़ती है तो अम्मा जी अपेक्षा रखती है कि एक बहू आकर मुझे एक गिलास पानी देगी, टेबलेट देगी, दवाई देगी, एक बहू मेरे सिर दबाएगी। ध्यान रखना, आप सोचते हैं कि बहू सेवा करेगी और बहू ने सेवा नहीं की तो क्या पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा। अच्छा, खा रही हैं, रह रही हैं आराम से, थोड़ी सी सेवा नहीं करती, मैं बीमार पड़ी हूं, आके नहीं देख सकती हूं। मैं अम्माओं से निवेदन करूंगा, यदि दोनों बहुएं पीहर चली गई हैं, घर बेटे बाजार में गए हैं, और अब आप बीमार हो और अब आपको दवाई खाना है, और जब बहुएं घर में नहीं हैं, तो बताइए अम्मा जी आप क्या करोगी, विचार करिए, बताइए, आप बीमारी के हालत में भी पलंग से उठोगी, उठने के बाद किचन तक जाओगी, गिलास में पानी लोगी, दवाई हाथ से खोलोगी और खा जाओगी, विचार करिए। यदि घर में सुखी रहना है तो बहुओं से ज्यादा अपेक्षाएं मत लगाइए।